भाइयों बहनों, ये अद्भुत संगम और सचमुच ऐसे महानायक का इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन हर भारतवासी का सिर गौरव के साथ आगे बढ़ता है जब वैश्विक मंच पर भारत को मिलती हुई प्रतिष्ठा हम देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी हो, फिजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या दुनिया के दादा के रूप में माने जाने वाले अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता या दुनिया के किसी भी अन्य उस मंच पर या भारत के 140 करोड़ लोगों के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाता है और हर भारतीय को आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इस बात को कहा कि ददा चरित श्रेष्ठस तत्देवे तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है अन्य लोग भी उस प्रकार का आचरण करने लगते हैं और जिस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करता है वो अन्य लोगों के लिए यानी लोक के लिए भी वह एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये नए भारत, ये नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुगामी बनकर के उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के उनके संकल्पों के साथ कार्य कर रहा है। हम प्रदेशवासी अभिभूत हैं, देशवासी अभिभूत हैं विकास की इस नई यात्रा के साथ जुड़ने के लिए। भारत की धरोहर को मिल रही मान्यता को लेकर के, भारत की आस्था को मिल रहे सम्मान को लेकर के मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जो आपने एक नई पहचान दिलाई है,